ये उन्हीं की एक ये ययाम सीमानी वाली की कॉल और भी लगती है। अस्सलामुअलैकुम सर जी, जी वालेकुम सलाम मैंने जी। आपको एक तस्वीर भेजी है, ये कट्टे के मुंह पर अच्छा रसौली कट्टे, बनी हुई है, ओहो आप इसका इलाज बता दें काइंडली। ये हमारी भैंसों की नस्ल में ही है सर जी। ओहो, अच्छा हमारे पास ये नस्ल है, काफी देर से चली आ रही है, अच्छा हमारे अपने घर की है, ये इनकी नस्ल में ही है। ये इसकी जो माँ थी उसके भी बनी थी, अभी इसके भी बनी है, और इसका ये को और था कट्टा उसके भी बनी थी, आप इसका इलाज बता रहे। जो पहले एक कट्टे के बनी थी ना सर जी, उसका तो हमने डॉक्टर से इलाज करवाया था, अच्छा उसने टीके लगाए थे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी हो नहीं गई वो थी, नहीं, ये बड़ी हो गई तो थी। बस ऐसे खुद ही ठीक हुई थी, और टीकों से तो कोई फर्क नहीं है हमें। इसकी वजह से सर जी जानवर कमजोर भी बहुत हो गया, पहले तो ठीक ठीक ठाक था, लेकिन अब जैसे जैसे ये गिल्टी रसोली बड़ी हो रही है, ऐसे ऐसे जानवर कमजोर हो रहा है। इसका क्या करें आप बता दें। मेरी जान, इसको एक होम्योपैथी की मेडिसिन मिलती है, दो ले लें, कैल्केरिया फ्लोर 6X और दूसरी है कोनियम 200। जितनी भी रसौलियाँ, गिल्टी, नाड़, ये चीज़ें, इनकी तहलील में ये दवाइयाँ बहुत कारगर साबित हुई हैं। आप ये ले लें, इसके 10-10 कतरे सुबह, 10 कतरे शाम, भले कतरे ना हों, अगर गोलियां भी हों तो वो भी आप घोल के एक पेड़ा सुबह एक पेड़ा शाम पेड़े में डाल के वो देते जाएं, जब तक ये वो गोलियां या ड्रॉप्स खत्म नहीं होंगे। एक बोतल, एक एक हो सकता है उसमें आधी तहलील हो जाए, और ये भी हो सकता है कि सारी सारी तहलील हो जाए। ना हो तो इसको कंटिन्यू रखना है। ये चूंकि होम्योपैथिक का एक इलाज है और ये देर तक चलता है, देर तक इसका रिजल्ट आपको सामने आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दुआ भी करूंगा अल्लाह ताला ये मसला आपका हल करे। और प्लीज जब भी आप वॉइस मैसेज करें तो अपना नाम और जगह का नाम जरूर बता दें। ये चूंकि मैंने पहले लिखा हुआ था का याम सिंह सेमानी का आपने सवाल ऑलरेडी किया था, तो ये उसी हिसाब से मैं स्टार्ट करने लगा था, लेकिन अच्छा हो गया आपने कट्टे की वो तस्वीर भी दे दी, या जो भी ये जानवर है, झोटी है या कट्टा है या जो भैंस है जिसके रसौली है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये दवाइयों को आप कंटिन्यूसली आपने ये इस्तेमाल करना है, कलकेरिया फ्लोर 6X और कोनियम 200। ठीक है मेरी जान, दुआओं में याद रखें फी मान ला।